हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ऑल ओवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अपनों ने 87 नंबर अपने क्विज लगा चुके हैं। इससे पहले अपने कौन सी क्विज लगाई थी? यहाँ पे 88 नंबर क्विज लगाई थी, जिसमें अपने 8.5 नंबर 8.75 मार्क्स थे, ठीक है, एक क्वेश्चन गलत था। उसके बाद इसमें अपने 10 में से 10 करेक्ट सही थे। आज अपने लगाने जा रहे हैं, इसमें कौन सी लगाते हैं? अपने 86 लगा लेते हैं, ठीक है। 86 के अंदर अपने देखते हैं क्या कुछ स्कोर आता है। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्लेरिकल के एग्जाम के अंदर 15 से 20 मार्क्स का वेटेज रहता है, और पीओ के एग्जाम के अंदर 5 से 7 मार्क्स का वेटेज रहेगा। बाकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी तो सभी जगह काम आएगी मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो ये वाला अपना रहने वाला है। अभी अपने फ़ोन का कैमरा ऑन कर लेते हैं ताकि आपको पूरा पूरा ये रहे कि सर बिल्कुल सारी चीज़ें कैमरे के सामने हो रही है। तो फ़ोन का कैमरा अपना ऑन हो चुका है, तो चलिए अपने इसको स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी के अंदर इसको करेंगे अपने, ठीक है। 86 नंबर की वजह देखो, पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त देर का है। देखो यहाँ पे क्या है, 1728 किसकी क्यूब होती है? 12 की। 32 की स्क्वायर 1024 होती है, ठीक है। इसको डिवाइड करना है किससे? 6 की क्यूब होती है 216 इंटू 256, 16 की स्क्वायर होती है, ठीक है। 16 से 2 टाइम चल जाएगा, 6 से 2 टाइम, ये आ जाएगा इधर 4 पूरा का पूरा, ठीक है। अब देखो एक्स परसेंट इंटू ये चीज़ लिखी हुई है इधर, और इधर 4 है, तो ये 4 है, तो 25 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12.5% हो सारा अपना परसेंटेज भी के अंदर का, इसमें 12.5% के होते 1/8 होती है, ठीक है। 25 × 20 × 1280, ठीक है। 2 बार परसेंटेज है, 2 बार 100 आ जाएगा। अभी वो ये 100 तो अपना कट गया, ये 25 से 4 बार चल जाएगा, ये 2 बार चल जाएगा, ये 64 टाइम और ये 8 टाइम, 8 आ जाएगा इधर से। 1248 × 8 = 56 हो जाएगा, ठीक है। और 40 8 = 32, 32 × 64 करना है यहाँ से, ठीक है। और डिवाइड 64 से 32 आ जाएगा, तो दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। 1056 को डिवाइड करना है, 1026 को डिवाइड करना है, सॉरी 54 से, और 17 × 13 करना है। एक बार इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसको अगर 2 से काटते हैं तो ये 27 बार जाएगा, इसको 2 से काटते हैं तो 51 और 513 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 27 से काटते हैं, 27 से कम 27 बना तो 54 होता है, और अपने पास यहाँ पे रह गया 21 22 23, तो 231 कब आएगा? कुछ गलत तो नहीं कर दिया उन्होंने, 54 से डिवाइड करना है ना 1026 को, ठीक है। 54 से कर देते हैं, क्या दिक्कत है, 54 से 1 टाइम जाएगा, ठीक है। 102 में से 54 जाएगा, 12 में से 4 के 8 आ जाएगा यहाँ पे, और इधर पर 9 में से 5 के 486 आ जाएगा, ठीक है। 54 का लगभग 9 टाइम करके देख लेते हैं, 9 6 9 4 36, 9 5 45 और 3 48 19 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 17 × 13 × 17 कर दें, 13 7 91, 13 और 9 कितने होते हैं अपने पास? 22 होते हैं, ये आ जाएगा 221, इसमें 19 और जोड़ देंगे और 1 10 जोड़ देंगे, 240 आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या है, 384 भाग में 24 24 6 16, 240 में से 16 निकाल देंगे जी, तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 224 आ जाएगा, ठीक है। 240 में से 16 जाएगा, ठीक है। 14 15 25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 14 15 और 25 × 4000, ठीक है। 1 2 कितनी बार एंटर है? 3 टाइम लगाना है, ठीक है। ये 3 टाइम लगे, यहाँ पे देखो कितनी, यहाँ पे 4000 है ना, तो ये 25 से 4 बार चल जाएगा, और ये 5 से 3 बार चल जाएगा, 5 से 2 बार चल जाएगा, 2 से 7 बार चल जाएगा, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो ये 21 आ जाएगा, और 256 270 आ जाएगा अपने, ठीक है। 270 आ गया। अभी देखो एक्स बटे यहाँ पे 2 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेशन की क्वेश्चन है। 2025 किसकी स्क्वायर होती है? देखो 50 की 25 होती है, उससे तो कम ही होगी। 40 की 16 होती है, 45 की होती है, ठीक है। और इसमें से 40% ऑफ 16 16 जो कि 64 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 8 की क्यूब होती है 512। अब इसको ऐड कर लो अपने, 5 और 4 ना हो, 6 और 4 10, 109। तो ये अपना उस गलत तो नहीं करते अपनों ने, 8 की क्यूब सॉरी 8 की स्क्वायर है 60, वही मैं कह रहा हूँ माइनस में आ रहा है। 45 का डबल करेंगे 90 हो जाएगा, ठीक है। और अभी अपने 62% 62.5% तो नहीं है, 450 होगा ना, तो ये कुछ नहीं है, इसमें 9 आ जाएगा, ये 31 हो जाएगा, 9 9 27 279 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये 1/9 × 279 का 9 8 81 ये आ जाएगा अपने पास, 15 और 16 360 हो जाएगा यहाँ से, और 33 दिया 99, यहाँ से 99 माइनस कर दो, 100 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा, 260 कह रहा हूँ, देख लो कौन सा आ रहा है। तो
25% लेना है ठीक है। अब देखो इसके अंदर ध्यान रखना, पहले अंदर वाला सोल्व होगा, ये जो 4851 दे रखा है ना उसको अपना 52 ही मान लेते हैं ठीक है। उसमें से 3478 माइनस करो पहले, तो ठीक है 12 में से 8 के 4, 14 में 7 के 7 और 7 में से 4 के 1374 आ गया ठीक है। उसमें 226 जोड़ दो, 7 9 3 तो 500 और 1 6 1600 आ गया ठीक है। अब 1600 को मल्टीप्लाई करना, 25% निकालना है अपने को, 16 × 25 8 × 5 = 40, 400 आ गया अपने पास ठीक है। उसमें माइनस करना है 20% ऑफ 1600, 1600 20% 320 होता है, 80 अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 77% ऑफ 600 ठीक है, और डिवाइड में अपना 77 ही है ना 600 का, 77% निकाल लेते हैं पहले ठीक है। उसके बाद उसको डिवाइड करना है अपने 21 से, तो 7 × 42 और 4 × 40 462, 21 से करेंगे 21 × 42 22 आना चाहिए अपना आंसर ठीक है, 22 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 18 की स्क्वायर होती है 324 प्लस में अंडर रूट और माइनस में 16 आ गया, और इधर अपना आ जाएगा 1331 11 की क्यों होती है, ये इधर चला जाएगा तो ये अपना बन जाएगा 27, 27 × 18 = 9 की स्क्वायर 81 होती है ठीक है, रूट में कैसे आएगा। तो देखो अपने 4 मिनट 35 सेकंड पड़े हैं अभी, मतलब शेष है अपने और 100% एक्यूरेसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो टॉपर 104 सेकंड में करके जा रहा है, एवरेज 144 सेकंड लग रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, जबकि अपनों ने देखो यहाँ पे आपके सामने इस क्वेश्चन को किया है। कौन सा क्वेश्चन था अपना, ये वाला क्वेश्चन 12 की, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अब आपको पता है कि 12 की क्यूब है 1728, ये आपको पता है कि 6 की क्यूब है 216, ये आपको पता है कि 256 16 की स्क्वायर है, तभी आप कर पाओगे। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे आप, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और इसके अलावा और कौन सी चीज़ थी अपनी लिए, अब 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, सबको पता होनी चाहिए, तभी देखो अपने 27 सेकंड कर पाए हैं इस चीज़ को, सिर्फ 62% लोग कर पाए हैं इस चीज़ को, 33% लोगों ने तो लेफ्ट ही कर दिया इसको। और इसके अलावा आपने देखो, अब ये देखो 13 × 17 करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब 16 की स्क्वायर 256 याद है तो डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं याद है तो फिर दिक्कत है। देखो अब ये 45 की स्क्वायर मेरे को नहीं आती, बट मैंने देखा कि 40 की 16 होती है, 50 की अपनी 25 होती है, 1600 और 2500 के बीच में लाई करेगा कोई नंबर तो वो 45 ही होगा ठीक है। ये देखो 45 की स्क्वायर होगी, और 8 की स्क्वायर यहाँ पे, मैं पहले क्यूब ले रहा था 8 की, 512 याद थी मेरे को, फिर मैंने देखा कि स्क्वायर है यहाँ पे, तो 8 की स्क्वायर 64 आ जाएगी यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पे बाकी और क्या था इसके अंदर, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी लगा मेरे को, क्योंकि 77% ऑफ 600 निकालना था, उसके बाद 21 से इसको डिवाइड करना था। अब देखो 18 की स्क्वायर 324 होती है, 16 की 256 होती है, 11 की 1331 होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आपने पहले से कर रखा होगा, आपने तो फटाक से आके 14 सेकंड आंसर निकाल दिया, बट ऐसा कुछ नहीं है, पहले से कुछ नहीं उसमें किया हुआ, बट ये है कि हाँ यार ये चीज़ें अगर आपको भी याद है ना तो आप भी फास्ट कर पाओगे। ये चीज़ आप रियलाइज़ करो, आप 20 तक स्क्वायर याद करके देखो, 20 तक क्यूब याद करके देखो, उसके बाद आगे बात करना कि सर हाँ हो रहा है। अब आपसे डायरेक्ट बोले 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो 441 होता है, ये ना थोड़ा मैं पहले से रट रखा है। 27 का स्क्वायर बोले 729 होता है, तो ये चीज़ें पहले से रटी हुई नहीं होती, ये चीज़ें टाइम के साथ इंप्रूव होती है आप लोगों की, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको कोई स्क्वायर नहीं आ रहा है तो आप लोग ये देखो ना कि जैसे 70 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है ठीक है, 80 का कितना होता है 64 होता है, उनके बीच में कौन सा नंबर लाइक कर रहा है, तो उस हिसाब से भी आप स्क्वायर निकाल सकते हो। वो आप पे डिपेंड है, आप किस तरह से चीज़ों को करते हो, किस तरह का आपको माइंड वहाँ पे एक्टिव हो पाता है, तो वो चीज़ें आप पे डिपेंड है। तो अगर आप लोग भी ये क्विज कर रहे हो तो यार जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।